अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आया हूँ जी अया सोफिया फिल्यू मॉस्क और टॉप कापी म्यूज़ियम देखने के लिए। आप मेरी बैक साइड पे ये देख रहे हैं, काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। 100 लीरा टिकट है फी पर्सन की अंदर जाने की। हिस्टोरिकल प्लेस है ये, अंदर रिकॉर्डिंग की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा जी कैमरे शायरे सारे बंद कर दो। अंदर बड़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, हमारी मज़हब से रिलेटेड हैं, ख़ास तौर पे दीन इस्लाम से रिलेटेड, और दीगर पैगंबरों की चीज़ें भी यहाँ अंदर पड़ी हुई हैं। रिकॉर्डिंग इजाज़त नहीं है, मैं बाद में बता दूंगा अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसके बाद हम जाएंगे जी यहाँ से बिल्यू मॉस्क और अया सोफिया, चूँकि रश वो लगा हुआ है, मैं आउटसाइड से आपको दिखा भी दूँगा कितना रश लगा हुआ है। तो क्योंकि आज थोड़े से प्लान डिफरेंट है, हमने एक और जगह पर भी जाना है, तो अंदर तो नहीं मैं अया सोफिया जाऊँगा, बाहर से ही जो है वो रिकॉर्ड करूँगा। जी इस तरह की ये टिकट्स हैं और ये मैं आपको प्राइस इसके ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। ये इसके बैक साइड पर ये काउंटर है, यहाँ से डिफरेंट सेक्टर आपको लाइन में लगे तमीज़ के साथ और पे करें और अंदर जाएं, ठीक है। अब हम जा रहे हैं जी म्यूज़ियम के अंदर। इस तरह के अंदर सिक्योरिटी का सिस्टम है, ये टिकट्स इस मशीन के अंदर, ये मैडम पकड़ के भाई अंदर चलो भी आप लोग अंदर जाएं, ठीक है। मशीन है, बैग आप रख के, बैग की चेकिंग और मोबाइल साइड पर रख के टिकट अंदर चेक और आप सब अंदर आ गए। ये जी मैं इस वक्त अंदर आ गया आउटसाइडर, इस म्यूज़ियम के आउटसाइड पर। जब अंदर जाएँगे तो फिर ये इसको बंद करना पड़ेगा कैमरे को। जी ये वो जगह है जहाँ पर इनके खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद जो थे वो यहाँ दरबार लगाते थे। तमाम मशीर गुजरा और दीगर जो वफूद थे वो यहाँ आते थे और यहाँ इसके अंदर जो था वो उनका वो लगता था तख्त, और बैठ कर जितने भी मामला थे सदरत के वो यहाँ पर चलाए जाते थे। ये जी सुल्तान अब्दुल हमीद जो इनके आखिरी खलीफा थे, उनका ये तख्त यहाँ पर बैठ के वो फैसले सादे जो है वो किया करते थे। बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है ये। उन्होंने कहा भट साहब आप थोड़ी रिकॉर्डिंग कर लें, लाहौर से आए हैं तो आप कर सकते हैं रिकॉर्डिंग भट साहब। टॉपकापी म्यूज़ियम से बाहर अब मैं आ गया हूँ और इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये यूरोप साइड है और उसका ये एंड है। पीछे आप समंदर देख रहे हैं, वो पीछे जो है वो एशिया जो है वो कॉन्टिनेंट शुरू होता है। बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है,
मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखिए समंदर के पार वो ज़मीन का टुकड़ा जहाँ नज़र आता है एशिया, जहाँ हमारा पाकिस्तान है। देखिए मेरी बैक साइड पर है अयास सोफिया, जिसको तैयब उद्दीन साहब ने जो है वो मस्जिद में चेंज किया। इसको पहले ये चर्च था, फिर ये म्यूज़ियम बन गया, और अब इसको जो है वो मस्जिद की शक्ल में डिक्लेयर कर दिया। काफ़ी सिक्योरिटी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट का रश है। मैं आपको दिखाता हूँ, लाइनें लगी हुई हैं, अंदर जाना बड़ा मुश्किल काम है, कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे खाली अंदर जाने में। और बिल्कुल इसके सामने है जी ब्लू मॉस्क, ये काफ़ी मशहूर मॉस्क है, ये सुल्तान अहमद साहब के ज़माने में ये मस्जिद जो है वो बनी थी। बस इससे ज़्यादा इसकी हिस्ट्री नहीं है, लोग अंदर जाके नमाज़ पढ़ते हैं, बस पुराने जैसी अपनी बादशाह मस्जिद थी, मस्जिद वज़ीर ख़ान, इस तरह की ये बड़ी पुरानी मस्जिद, हिस्टोरिकल मस्जिद है। आप लोग आए, कोई टिकट शिकट नहीं है, अया सोफिया के अंदर और ब्लू मॉस्क के अंदर सैर सपाटे करें, पिक्स लें, सेल्फी लें, रोकते नहीं हैं, नमाज़ पढ़ें अंदर जाके, कोई इशू नहीं है। म्यूज़ियम में आपको 100 लीरा का टिकट जो है वो खर्च करना पड़ेगा। अब मैं आ गया मेट्रो स्टेशन सुल्तान अहमद के, अब मैं जाऊंगा घर वापस, और मुझे एक दो कुछ काम करने हैं, टीसी कार्ड के हवाले से कुछ फ़ोटो कॉपीज़ करवानी थी। तो आज का व्लॉग करते हैं यही ख़त्म, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है वो आप लोग तक जो है वो पहुँच सकें।